Hey guys, once again, welcome back to my YouTube channel Inside Organon. Once again, I'm back with a very important exam-based topic of Organon for you all. And the topic that we are going to discuss today is signs of improvement. एक पेशेंट को हम जब भी मेडिसिन देते हैं तो वो इम्प्रूव कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये बात हमें कैसे पता चलेगी? For that, Dr. Hahnemann from aphorism number 252 to 256 has explained कि कैसे आप पता करोगे that जो आपका पेशेंट है वो इम्प्रूव कर भी रहा है या नहीं. ठीक है, बिफोर वी स्टार्ट डिस्कसिंग दिस टॉपिक, फ्रेंड्स, इनसाइड ऑर्गेनॉन शेयर्स लेक्चर्स ऑफ फार्मेसी, ऑर्गेनॉन, मटेरिया मेडिका एंड रिपर्ट्री. एंड आई एम श्योर इफ यू आर होम्योपैथ, यू डू नॉट वॉन्ट टू मिस द अपकमिंग अपडेट. सो प्लीज 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 सब्सक्राइब टू इनसाइड ऑर्गेनॉन एंड हिट द बेल आइकन. सो वॉट इज इट? Repetition of doses and assessing prognosis of cases possible only by proper understanding of patient and his disease. हम कोई पर्सन जो है वो इम्प्रूव कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसको पता करने के लिए हमें पहले पर्सन को, खुद जो पर्सन है एज अ इंडिविजुअल, उसको समझना पड़ेगा एंड उसके डिजीज को समझना पड़ेगा. इन स्पाइट ऑफ प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ रेमेडी, कई बार ऐसा होता है दैट सूटेबल माइन्यूट डोज देने के बावजूद, पोटेंसी ये सब सही होने के बावजूद इम्प्रूवमेंट नहीं होता है. ठीक है, तो आपको उस चीजों में नोटिस करना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसकी जो एनवायरमेंटल कंडीशन है वो उसको प्रोन कर रही है, उसके लिए उसका ऑक्यूपेशन है वो प्रोन कर रहा है. तो ये सब एक्साइटिंग और मेंटेनिंग कॉज होने के बावजूद भी कई पेशेंट्स इंप्रूव नहीं करते. ठीक है, नेक्स्ट क्या है? अगर आपको क्योर करना है तो आपको उस कंडीशन में जो भी एक्साइटिंग और मेंटेनिंग कॉज है दैट शुड बी रिमूव्ड. वंस द इम्प्रूवमेंट स्टार्ट्स इन द पेशेंट, इट शोज बाय सम इंडिकेशंस. जब भी इम्प्रूवमेंट एक पर्सन में स्टार्ट होती है तो वो हमें कुछ इंडिकेशंस के थ्रू पता चलता है. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल, ओनली द इंटेलेक्चुअल एंड केयरफुल ऑब्जर्वर्स जो होते हैं वही सिर्फ इस बात का पता लगा सकते हैं दैट जो पर्सन है वो आपकी मेडिसिन देने के बाद इम्प्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा है. अगर हम अक्यूट डिजीज की बात करें तो पेशेंट का माइंड और बिहेवियर वो हमें बताता है कि वो पर्सन ठीक है या नहीं है. कैसे? सबसे पहले देखिए, यहाँ पे ऑरेंज में जो हाईलाइट किया गया है वो हमें बताएगा कि पर्सन जो है उसमें एमिलियोरेशन हुआ है कि नहीं हुआ है. तो इन केस ऑफ एमिलियोरेशन, अ ग्रेटर डिग्री ऑफ कंफर्ट, इंक्रीज्ड कामनेस एंड फ्रीडम ऑफ माइंड, हाई स्पिरिट्स ऑफ द पेशेंट एंड अ काइंड ऑफ रिटर्न ऑफ नेचुरल स्टेट इज ऑब्जर्व बाय द फिजिशियन. ठीक है, तो पर्सन को क्या लगेगा? अगर कोई पर्सन एमिलियोरेट कर रहा है तो वो कंफर्टेबल फील करेगा, वो शांत, उसकी बॉडी जो परेशान थी, उसकी माइंड जो परेशान थी, वो अब एकदम काम और सूदिंग वाले फॉर्म में आ जाएगी, माइंड में उसको फ्रीडम फील होगी. ठीक है, वहीं पर अगर एक पर्सन जो है वो एग्रेवेटेड है तो वो बहुत ज्यादा कंस्ट्रेंड फील करेगा, बहुत हेल्पलेस फील करेगा, उसको अपनी स्टेट एकदम पिटिएबल लगेगी, मतलब बहुत ही बुरी लगेगी. आपको उसके माइंड से, बिहेवियर से, उसके पोस्चर और जेस्चर से पता चल जाएगा कि ये जो आपका पेशेंट है ये इसके जो सिम्टम्स हैं वो एग्रीवेट कर गए हैं. ठीक है, नाउ ओनली द माइन्यूट पॉसिबल डोज विल शो द साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट इन डिस्पोजिशन एंड माइंड. आप अगर होम्योपैथिकली मेडिसिन को सेलेक्ट किया है आपने तो बहुत एकदम माइन्यूट डोज जब दोगे ना आप, तभी आपको साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट बेसिकली ऑब्जर्व होंगे. There are group of patient. Now third point में Dr. Hahnemann has explained that कैसे कुछ group of patient होते हैं ना वो बता ही नहीं पाते हैं कि उनको improvement हुआ है कि नहीं हुआ है. For example, there was a case that I took and उसमें क्या हुआ ना, patient आया and वो improve किया था but उन्होंने बोला नहीं मुझे कोई improvement नहीं है. Then what did I do? मैंने जो सिम्टम्स नोट किए थे उनके, फिर वो पूछना शुरू किया कि अब आपको ये ए सिम्टम आ रहा है, तो उन्होंने बोला नहीं इसमें तो आराम है, बी सिम्टम आ रहा है नहीं उसमें आराम है, सी सिम्टम आ रहा है नहीं ये भी पहले से बेटर है. तो वो पेशेंट बता नहीं पा रहा था बट देयर वॉज इम्प्रूवमेंट. ठीक है,
तो उस केस में आपको पुराने वाले सिम्टम पूछने हैं और तब पेशेंट से क्लैरिफाई करना है दैट वेदर पेशेंट हैज इम्प्रूव्ड और नॉट। ठीक है, आपको उसके माइंड और डिस्पोजिशन को देखकर भी पता चलेगा दैट देयर आर इंडिकेशंस ऑफ पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट। कई बार ऐसा होता है कि पर्सन में कुछ न्यू सिम्टम्स आ जाए, उस केस में आपको क्या करना होता है? इन सच केसेस यू विल हैव टू वेट एंड उस पर्सन को क्या बोलना है कि जो न्यू सिम्टम्स आए हैं, सॉरी यू नीड नॉट वेट हियर, और पर्सन को समझ जाना चाहिए पेशेंट की जो मेडिसिन सेलेक्ट की गई थी वो फिजिशियन ने गलत सेलेक्ट की थी और उसको एज अ एग्रेवेशन समझना है अगर नए सिम्टम्स आ रहे हैं और वो ट्रबलिंग कैरेक्टर के हैं तो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक एग्जाम्पल मेंशन किया गया है दैट फॉर्मेशन ऑफ लंग एब्सेस इन फिजिकल पेशेंट इज नॉट अ साइन ऑफ इम्प्रूवमेंट नॉर अ साइन ऑफ होम्योपैथिक एग्रेवेशन, लेकिन ये एडवांसिंग डिजीज कंडीशन है। अगर कोई पर्सन आपको लंग कंप्लेंट के साथ आया है, अब उसमें लंग एब्सेस बन गया, तो ऑब्वियसली उसकी लंग कंप्लेंट हैज एडवांस्ड। ठीक है, तो ये कोई एग्रेवेशन नहीं है और इम्प्रूवमेंट तो बिल्कुल ही नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है? ये एक एडवांसिंग डिजीज कंडीशन है। सो फ्रेंड्स, दिस इज इट अबाउट टुडेस सेशन इन विच वी हैव डिस्कस्ड कि अगर आपने पर्सन को मेडिसिन दी तो आप कैसे पता करोगे कि वो इम्प्रूव कर रहा है या नहीं कर रहा है। बेसिकली वो काम, शांत, बिल्कुल माइंड उसका फ्री, उसके बिहेवियर, जेस्चर, पॉस्चर से आपको पता चल जाएगा कि वो पर्सन हैप्पी है एंड हेल्दी है। ठीक है, सो फ्रेंड्स, दिस इज इट अबाउट टुडे सेशन। आई होप आई हैव मेड यू ऑल अंडरस्टैंड। कोई भी डाउट हो, यू आर फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स बिलो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और बैचमेट्स के साथ शेयर कीजिए एंड प्लीज 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 डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इनसाइड आर्गिनॉन एंड हिट द बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैप्पी लर्निंग।